नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की मीटिंग हुई है, तो उसमें क्या क्या फैसले लिए गए हैं वो सारे आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक अभी से ही कर दीजिएगा। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। जल शक्ति विभाग में 2322 को मिलेगा रोजगार, शाहपुर व सरका घाट को मिला तोहफा। तो शाहपुर व सरका घाट को क्या तोहफा मिला, इसके अलावा देखिए मंदिरों पर भी फैसला आया है और बहुत सारे प्रावधान नए फैसले सरकार के द्वारा लिए गए हैं इस कैबिनेट मीटिंग में। युवाओं को रोजगार देने के मद्देनज़र जयराम सरकार ने कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया है। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की आज जहां आयोजित बैठक में जल शक्ति विभाग में 2322 कार्यकर्ताओं की नियुक्ति करने का निर्णय लिया गया है। इनमें विभागीय पैरा कार्यकर्ता नीति के अंतर्गत 718 पैरा पंप ऑपरेटर, 162 पैरा फिटर्स और 1442 बहुउद्देशीय कार्यकर्ता शामिल है, जो 486 पेयजल और 31 सिंचाई योजनाओं का संचालन करेंगे। कैबिनेट की बैठक में बिलासपुर के झंडुता में नया PWD डिवीज़न खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके तहत झंडुता, बरठी व कलोल उपमंडल होंगे। कलोल घुमारवीं उपमंडल में है। इसके अलावा जिला कांगड़ा के शाहपुर को नगर पंचायत बनाए जाने की भी मंजूरी प्रदान की गई है। विभिन्न श्रेणियों के 7 पद भी भरे जाएंगे। साथ ही मंडी की सरकाघाट नगर पंचायत को नगर परिषद का दर्जा दिया गया है। टोल पॉलिसी 2020-21 में भी छूट दी गई है। बार अवार्ड एक्ट 1972 के तहत मिलने वाले सालाना बार जागीर राशि को 5,000 से बढ़ाकर 7,000 कर दिया गया है। कैबिनेट ने सरकारी पॉलिटेक्निक महाविद्यालय सुंदरनगर में लेक्चरर का एक पद और पॉलिटेक्निक कॉलेज रोहड़ू में लेक्चरर मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस का भरने को स्वीकृति दी है। जे पद अनुबंध आधार पर भरे जाएंगे। बैठक में राष्ट्रीय एम्बुलेंस सर्विस 108 के सुचारू संचालन के लिए विशेष अंतरिम उपाय के रूप में समझौता प्रावधानों के ऊपर प्रावधान करने और GV के EMRI के कर्मचारियों को अंतरिम वेतन का भुगतान करने का निर्णय लिया गया है। बैठक में टोल नीति 2020-21 की शर्त संख्या 2.14 के खंड 3 के अंतर्गत उन सभी व्यक्तियों को टोल पट्टों के आवंटन की निविदा एवं नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति प्रदान की गई है, जिन्होंने वर्ष 2019-20 में टोल पट्टे के लंबित बकायों को चुका दिया है। इसके अलावा देखिए मंदिरों को लेकर क्या बात कही गई है। तो मंदिरों को खोलने का जो फैसला वो 15 अगस्त के बाद लिया जाएगा। इसके अलावा देखिए, जो तो आपको बता दी गई कि कैबिनेट ने योग्य व्यक्तियों को युद्ध जागीर की राशि 5,000 से 7,000 वार्षिक करने का फैसला लिया है। इसके लिए हिमाचल प्रदेश बार अवार्ड एक्ट 1972 के सेक्शन 3 में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। तो देखिए कैबिनेट में जो भी फैसले लिए गए, जो भी बातें हुई, वो आपको एक एक फैसला आपको इस वीडियो में बताया गया। तो आपकी क्या राय है, जो भी सरकार के जो फैसले लिए गए हैं, आप इन फैसलों से कितना संतुष्ट हैं, क्या जिन महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात होनी चाहिए थी, क्या उन मुद्दों पर इस कैबिनेट की मीटिंग में बात हुई या नहीं हुई, ये भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आया हो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसी तरह की महत्वपूर्ण अपडेट आगे भी आती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपसे मिस ना हो। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।